बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका किचन एक्सपर्ट मेहर भट्ट आपको अपने चैनल पे शामदीद कहता हूँ। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक मिल्क की रेसिपी लेकर आया हूँ, स्पेशल उन लोगों के लिए जिनको सर्दियों में बहुत सर्दी लगती है। अगर आप ये रेसिपी बना के पी लेंगे तो इंशाल्लाह आपको सर्दी नहीं लगने लगी, तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स चाहिए होते हैं इसके लिए, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। एग मिल्क की रेसिपी बनाने के लिए हमने 3 कप दूध लिया है, तकरीबन 1/2 लीटर। साथ में हमें 2 अदद अंडे चाहिए होंगे, 3 टेबलस्पून चीनी, 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम तकरीबन पिस्ता चाहिए होगा। ठीक है, इन तमाम चीज़ों से बड़ा मज़ेदार सा आज हम एग मिल्क तैयार करेंगे, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ले जनाब, इसके लिए हमें एक देचकी चाहिए होगी, उसमें सबसे पहले हमने दूध शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बस, जब तक कि दूध थोड़ा गर्म होता है तो हमारे पास जो 2 अंडे थे इसको बीट कर लेंगे अच्छी तरह से। ले जनाब, अंडे भी हमने बीट कर लिए अच्छी तरह से और दूध को भी उबाल आना शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। एक दफ़ा मिक्स करेंगे इस तरह से अच्छी तरह से। जब उबाल आ जाए तो आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो अंडे हैं वो शामिल करते जाना है और हिलाते जाना है इस तरह से। ठीक है, फ्लेम आपने मीडियम पर रखना है इस तरह से। ले जनाब, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं अंडा डालने के बाद, हमने इसको अच्छी तरह पकाया है। अब इसमें चीनी शामिल करेंगे, मैंने आपको बताया था 3 टेबलस्पून। ठीक है जी, 3 कप हमारा दूध था और 3 टेबलस्पून हम इसमें चीनी शामिल करने लगे हैं। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और दोबारा मिक्स करेंगे इस तरह से। और साथ में आपने क्या करना है, इसमें जो नट्स थे हमारे पास बादाम और पिस्ता, उनको मैंने चॉप कर लिया है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूँ, इसमें अगर आपके पास देसी घी हो तो वो भी आप तकरीबन 1 टीस्पून इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप इसमें देसी घी शामिल कर लेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाएगा। इस तरह से अच्छी तरह से अभी भी 1 से 2 मिनट हम इसको पकाएँगे। ले जनाब, अब लास्ट में हम इलायची जो है, 1 अदद इलायची काफ़ी होगी, बीज निकाल लीजिएगा इस तरह, ये भी शामिल करेंगे। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करें तो डाल लें, अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं। ज़बरदस्त हमारा एग मिल्क जो है वो तैयार है। ले जनाब, अब हम इसको कप में डालते हैं। ले जनाब, हमारी एग मिल्क की रेसिपी बिल्कुल रेडी है, इंग्रेडिएंट्स भी मैंने साथ रख दिए हैं ताकि आप इजीली बना सकें। और कलर देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह खूबसूरत कलर आया है। ज़रूर मेरी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत हेल्दी रेसिपी है और सर्दियों की तो बहुत मुफीद रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब किया करें और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं आप तक पहुंच सके। जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की एग मिल्क की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें, एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।